हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा कि पीएलसी और डीसीएस कंट्रोल सिस्टम्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, ये पीएलसी क्या होता है, डीसीएस क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू जाएंगे तो आपको कुछ फंडा क्लियर हो जाएगा और आप एक प्रिपरेशन आपका बेटर रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो आप ये वीडियो प्लस मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देखें। ये सब आप लोगों के लिए हैं जिससे आपकी थोड़ी नॉलेज इंक्रीज़ हो सके। सो कुछ हम प्रिपरेशन प्रिपेयर करके जाएँ अपने आप को इंटरव्यू के लिए, तो हमें हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो पीएलसी और डीसीएस, पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि पीएलसी मतलब क्या होता है और डीसीएस मतलब क्या होता है। पीएलसी बेसिकली क्या होता है, आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है। और डीसीएस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। कई बार ना पेपर में, कई बार रिटन टेस्ट होता है उसमें पूछ लेते हैं यार पीएलसी का फुल फॉर्म बताओ, डीसीएस का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ डिफरेंसेस क्या होते हैं पीएलसी और डीसीएस सिस्टम में। दोनों ही कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस। दोनों सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, क्या कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी, ऑटोमेशन इंडस्ट्री है, चाहे रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल है, पावर प्लांट है, उसमें इतने सारे सिस्टम्स होते हैं। बॉयलर होता है, बॉयलर का प्रेशर कंट्रोल करना है, बॉयलर स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, टर्बाइन की स्पीड कंट्रोल करनी है, रिएक्टर होते हैं, रिएक्टर का टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत 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 सारी जो भी ऑटोमेशन इंडस्ट्री हैं वहाँ पर आजकल पीएलसी और डीसीएस ही आपको मिलेगा। हर जगह जाओ आप, इवन लोग आजकल अपने घर में लगा रहे हैं पीएलसी सिस्टम। उसमें क्या, आप जस्ट एक बटन दबाओगे, आप पूरे घर की लाइटिंग, यू नो, यू कैन चेंज इट। आप एक बटन दबाओगे, कोई गाड़ी आ रही है, आपका गैराज का डोर ओपन हो जाएगा, आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। तो वो चीज़ें उस हम छोटी छोटी पीएलसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास अगर कुछ बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लाइक लॉट ऑफ बिग इंडस्ट्री है, लाइक पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी में, जहाँ पे आपको पूरा मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल रूम्स हैं और आपका जो कंट्रोल सिस्टम है एक नेटवर्क के थ्रू पूरा फैला हुआ है, तो आपको उसके लिए एक मतलब बहुत सारे आयो हैं वहाँ पे। आयो मतलब इनपुट एंड आउटपुट्स। सो आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स, आयोस बहुत सारे हैं, तो उसके लिए आप एक डीसीएस सिस्टम चूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बहुत सारे आयोस को कंट्रोल करना है, ठीक है। और पीएलसी नॉर्मली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ आयोस कम रहते हैं। बट ये एक और ये डिस्कशन है, आजकल आपको पीएलसी वाली कंपनी आ जाएंगी, आपको बोल देंगी अरे यार ये हम भी कर सकते हैं, इतने आयो हम भी कर सकते हैं। तो आज की डेट में मतलब जो ये पहले के टाइम जो हम यूज़ करते थे कि नहीं डीसीएस एक बहुत नंबर ऑफ आयोस को, ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ आयोस हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए डीसीएस ले लो, और पीएलसी छोटे मतलब फ्यू नंबर ऑफ आयो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ये फिलोसफी भी कम होती जा रही है, बिकॉज कितने पीएलसी जो कंपनी है वो पूरा 100% आपको क्लेम करके बोलते हैं जी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपको थोड़ा इंटरव्यू में आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर आपको ये बोलेगा अरे यार ये तो पीएलसी में भी किया जा सकता है, तो क्या डिफरेंस है डीसीएस पीएलसी में। आपको यू नो दे विल ट्राई टू कन्फ्यूज यू, सो यू शुड नो अबाउट दिस बेसिक थिंग्स, सो यू कैन यू नो प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर इन अ बेटर वे। तो जो पीएलसी होते हैं, बेसिकली पीएलसी आर यूज टू कंट्रोल अ प्रोसेस और अ मशीन इन इंडस्ट्रीज। दे वर डिवलप्ड टू रिप्लेस हार्ड वायर्ड रिले बेस्ड कंट्रोल एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। अ टिपिकल पीएलसी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू और प्रोसेसिंग यूनिट, अ पावर सप्लाई, अ मेमोरी यूनिट, एन इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस एंड अ कम्युनिकेशन इंटरफेस टू डेटा एक्सचेंज बिटवीन फील्ड डिवाइस और पीसी। सो बेसिकली जो पीएलसी सिस्टम होती हैं वो क्या कर रहा है, जो ओल्ड टाइम में क्या होता था, पीएलसी और ये डीसीएस कंट्रोल सिस्टम ये होते नहीं थे, तो हमारा सब कुछ हार्ड वायर्ड रिले करके सिस्टम होता था। लेकिन जो भी होता था वो आज के सिस्टम से बेटर ही होता था, उनमें फेलियर रेट बहुत ही कम होता था, ठीक है। क्योंकि आजकल पीएलसी डीसीएस में
इनके सीपीयू फेल हो जाते हैं, इनके आईओ कार्ड फेल हो जाते हैं, थैंक्स एटलीस्ट वी हैव सम रिडंडेंट सिस्टम और टीएमआर सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, अगर रिडंडेंट में अगर एक सीपीयू फेल हो गया तो दूसरे सीपीयू से द प्रोसेस विल वर्क, कंट्रोल सिस्टम स्टिल विल यू नो एग्जीक्यूट द प्रोसेस। सो जो पीएलसी होते हैं वो ओल्ड हमारा जो हार्डवायर्ड रिले सिस्टम है उसको रिप्लेस करता है और प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि आप एक आराम से यू नो इजीली एक पीसी पे बैठ के आप पूरा लॉजिक लिख सकते हो, मेरे को मेरा मोटर 5 सेकंड के बाद ऑन हो जाए और उसके 10 सेकंड के बाद मेरे को दूसरा मोटर ऑन हो जाए, उसके 15 सेकंड के बाद तीसरा मोटर ऑन हो जाए, वेरी इजी। अब बहुत इजी हो गया, आप जस्ट आपको कमांड्स लिखनी है और उसके आयो को पीएलसी के साथ कनेक्ट कर देना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एक टिपिकल पीएलसी सिस्टम होता है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, उसमें क्या होता है, बेसिकली सीपीयू होगा, सीपीयू में क्या है, सीपीयू आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, उसी में आपकी पूरी मेमोरी है, वो सीपीयू ही एग्जीक्यूट करता है, सेम लाइक यू नो लाइक कंप्यूटर सीपीयू, आप एक लैपटॉप पे काम करते हो उसके अंदर भी एक सीपीयू होता है, वो सीपीयू ही सब कुछ एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही पीएलसी का सीपीयू है। फिर क्या चाहिए आपको, जैसे लैपटॉप है, आपको लैपटॉप ऑन करने के लिए क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, सेम वे पीएलसी को पावर करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है उसके लिए, वो क्या करेगा, पूरा रैक को, जो पीएलसी की रैक है उसको पावर सप्लाई देगा। प्लस फिर फील्ड में सपोज आपके पास मोटर है, मेरे को उस मोटर को ऑन करना है, फिर वो मोटर ऑन होगा, आपको पता रहना चाहिए कि भाई मोटर ऑन हो गया है, आपने कमांड दिया ऑन करने का, लेकिन आपको पता भी रहना चाहिए ना कि मोटर ऑन हो गया है, तो देन आपको एक फीडबैक आएगा मोटर से, एक रनिंग फीडबैक दे देगा वो, तो इसको क्या बोलते हैं, आयो। सो आयोज क्या रहते हैं, जैसे डिजिटल इनपुट बोलते हैं DI, डिजिटल आउटपुट DO, एनालॉग इनपुट AI, एनालॉग आउटपुट AO। जैसे मैंने आपको बोला मोटर को मेरे को स्टार्ट करना है, मैं मोटर को एक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्या दूंगा, एक DO, एक कमांड दूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल आउटपुट। फिर मोटर स्टार्ट हो गया, मेरे को एक फीडबैक आएगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, DI। सो ये DI एंड DO IO है, मीन्स इनपुट आउटपुट। फिर सपोज एक मेरे को एक लाइन है, उस पर कुछ वाटर फ्लो जा रहा है और मेरे को उस वाटर फ्लो को कंट्रोल करना है, तो मेरे को क्या पता रहना चाहिए कि कितना वाटर फ्लो है, वो कैसे पता लगेगा, ट्रांसमीटर से पता लगेगा, तो मैं वो ट्रांसमीटर वो उस वाटर फ्लो की लाइन पे इंस्टॉल होगा, तो वो ट्रांसमीटर मेरे को पीएलसी को बताएगा, कंट्रोल सिस्टम को, कि कितना वाटर फ्लो है, तो इसको बोलेंगे हम AI, एनालॉग इनपुट। ओके, फिर उस वाटर फ्लो की लाइन पे एक कंट्रोल वॉल होगा, वो पीएलसी कमांड देगा कंट्रोल वॉल को कंट्रोल करने के लिए, तो कमांड क्या देगा, एनालॉग आउटपुट। ठीक है, तो AI AO, DI DO, तो ये चार चीज़ें क्या होती हैं, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, क्या बोलते हैं, IO। सो और इनके लिए ना अलग अलग कार्ड होते हैं, जैसे आपके और कई कार्ड्स में सब कंबाइन ऑप्शन भी रहेगा, मतलब जैसे इसको इसलिए बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स, तो ये कार्ड्स भी रहते हैं पीएलसी में। तो क्या रहेगा आपका पीएलसी में, आपका सीपीयू रहेगा, पावर सप्लाई ब्लॉक रहेगा और एन इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स रहेंगे। ठीक है, तो पावर सप्लाई से पूरा सप्लाई अवेलेबल रहेगा, पीएलसी आपका और सीपीयू प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इस ऐसे करके आपका एक पीएलसी सिस्टम बन सकता है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें रहती हैं पीएलसी सिस्टम में। ठीक है, पीएलसी नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड बेस्ड ऑन द देयर एप्लीकेशन। सो द पीएलसी आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, जो आपको जो डिजाइनर रहता है ना, अगर सपोज आप एक प्रोग्रामर है, पीएलसी प्रोग्राम में यू नो हाउ टू प्रोग्राम इट, देन व्हेन यू विल गो टू एनी प्लेस द कस्टमर विल गिव यू द गाइड बुक, यू नो लॉजिक बुक, सो दे विल टेल यू दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स, कि वो पूरा आपको इंस्ट्रक्शन करके बताएगा कि कितना मेरा इस लाइन का प्रेशर है, जब ये मेरा प्रेशर इतना हाई जाएगा तो देन यू हैव टू कंट्रोल दिस वॉल। ओके, जब अगर वो वॉल ओपन हो गया देन आई हैव टू स्टार्ट दैट मोटर। सो ये सब आप प्रोग्रामिंग करके लिखेंगे पीएलसी में। ओके, फिर उसको एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर देंगे पीएलसी में, फिर पीएलसी विल कंट्रोल ऑटोमेटिकली, वो पीएलसी आपका पूरा कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली ये पीएलसी का काम है। और फिर क्या होता है, दे रिक्वायर एडिशनल HMI, और एक HMI बोलते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो आप एक HMI वो काइंड ऑफ PC होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे, बहुत सारे GE है, सीमेंस है, बहुत कंपनियों के आजकल HMI आते हैं,
तो उसमें क्या होता है, वो ऑपरेटर के लिए होता है। उसमें जैसे अब मोटर स्टार्ट हो गया तो उस पर क्या रहेगा, एक मोटर का सिंबल रहेगा, रन फीडबैक आ जाएगा। तो मतलब वो एक लैप एक कंप्यूटर पे बैठे बैठे ऑपरेटर को पूरा आइडिया पता लगेगा मेरा पूरा कि प्लांट में मतलब क्या स्टेटस है, जो रनिंग इक्विपमेंट है उनका क्या स्टेटस है, पूरे प्लांट का स्टेटस आपको HMI पे अवेलेबल रहेगा, उसको बोलते हैं HMI। ठीक है, तो हम एक HMI को भी कनेक्ट कर सकते हैं PLC के साथ। अब क्या होता है फिर इसमें ना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के सपोर्ट भी रहते हैं PLC में। कम्युनिकेशन सपोर्ट कैसे, सपोज PLC के साथ में आपका PLC एक स्पेसिफिक कंट्रोल के लिए, और वहाँ पे एक दूसरा कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी PLC का जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे कंट्रोल सिस्टम को देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास प्रोटोकॉल रहते हैं, जैसे मोडबस प्रोटोकॉल, प्रोफीबस, इथरनेट। तो ये कुछ मोडबस, मतलब ये मोडबस कम्युनिकेशन कर सकते हो, इथरनेट TCP/IP से भी मोडबस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्सटर्नल कुछ एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होता है, बट ये सब कर सकते हो आप। PLC में प्रोग्रामिंग के ऑप्शन देखो, लैडर प्रोग्रामिंग होती है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। तो डिफरेंट टाइप में आप प्रोग्राम कर सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं प्रोग्रामिंग के, बट आजकल ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ज़्यादा चलता है, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, और लैडर भी बहुत ज़्यादा चलता है PLC में। तो जब आप PLC पे काम करेंगे तो आपको ये पता लगेगा। तो आई होप अभी क्लियर होगा PLC में क्या क्या चीज़ें होती हैं और PLC होता क्या है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है, और PLC स्पेसिफिक यू नो कंट्रोल सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, हम ऑटोमेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और PLC में क्या क्या होता है, PLC में आपका एक CPU होगा, पावर सप्लाई रहेगा, देन उसके IOs रहेंगे। IOs फील्ड की जो चीज़ें हैं IOs पे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर वो IO क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को CPU को देगा, CPU विल एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और पावर सप्लाई रहेगा जो सबको पावर सप्लाई देगा। और फिर आपका जो PLC है वो एक HMI से कनेक्ट हो जाएगा, HMI पे सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, और PLC से आपके पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी हैं, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक दूसरे सिस्टम पे भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये आपका PLC है। सो ये देखिए ये डायग्राम, मेरे को लेट मी टेक दिस पॉइंटर, आप देख सकते हैं PLC में ये तीन पार्ट जो हमने बात किया, पावर सप्लाई, CPU, मेमोरी। मेमोरी CPU में ही रहता है, फिर वो CPU IO मॉड्यूल से कनेक्ट होता है। ठीक है, और फिर IO मॉड्यूल में वो फील्ड की, ये देखो चाहे मोटर है चाहे कोई प्रेशर है, वो सारे इन्फॉर्मेशन IO मॉड्यूल पे आते हैं। IO मॉड्यूल क्या करेगा, CPU को दे देगा। ठीक है, और CPU एग्जीक्यूट करता है उसको। ठीक है, और एडिशनल IO मॉड्यूल हैं तो आप और भी लगा सकते हो। ठीक है, ये लिमिट रहती है हर PLC की, तो आपको PLC वाले से पूछना पड़ेगा भाई इसकी लिमिट कितनी है, कितने सारे चैनल हम डाल सकते हैं इस PLC में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नाम से ही पता लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका क्या मतलब है, ये बहुत ह्यूज प्लांट्स में यूज होता है। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप क्या करेंगे, जो ये देखिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आयोज रहते हैं, लोट ऑफ आयोज, मल्टीपल नहीं बहुत सारे आयोज, थाउजेंड्स और 10,000, 12,000, मोर देन दिस। तो आपका प्लांट बहुत बड़ा होता है, उसके लिए क्या करते हैं, और ये देखिए जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड CPU है, तो सेम जैसे PLC का फंड है ना, सेम जैसे मैंने आपको दिखाया कि IO जाते हैं IO मॉड्यूल पे। ठीक है, IO मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं CPU से, सेम वैसा ही रहता है, बेसिक फंडा ही सेम, बस डिफरेंस ये है PLC अगर आपके कुछ कम आयो हैं बेटर PLC यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा आयो हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल यूज़ कर लो। बट आजकल कई PLC वाले भी आ गए हैं, वो आपको बोलेंगे अरे यार हमारा भी तुम यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आजकल वैसा भी हो रहा है। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड में ये देखिए यहाँ पे मेरा ये DCS सिस्टम है, ये DCS सिस्टम है। अब ये देखिए ये एक कनेक्शन पॉइंट है, ये क्या करता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन इज आल्सो गोइंग हेयर, सो दैट्स वाई। सो सेम रैक, अगर ये रैक मैं इंस्टेड ऑफ PLC यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, और यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन यहाँ पे DCS को भी दे सकते हैं।
तो मतलब पूरा आप डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है, और नंबर ऑफ आईओज आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, ये जितने भी डीसीएस सिस्टम है ये एक सर्वर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इंजीनियरिंग स्टेशन, ये सब इससे कनेक्ट हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन बैठे बैठे सब ऑपरेटर को पता होगी, और वो यहाँ से बैठे बैठे यहाँ के लिए सब देख सकता है, इस सिस्टम पे जितने आए हुए हैं सब देख सकता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और इसमें भी फैसिलिटी होती है, इन डीसीएस में आप क्या कर सकते हैं, थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल RS-485-232, ये मैं कभी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा ये RS-485 क्या होता है, 232 क्या होता है, बट आज के लिए आप सोच लो कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, मतलब इस, अब सपोज यहाँ पे कोई पीएलसी वाला है, उस पीएलसी को यहाँ से कुछ इस पीएलसी से मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ सेंड करनी है, तो देन वी कैन डू सम कम्युनिकेशन। सो डीसीएस वाले को इसका भी स्टेटस पता हो जाएगा। अभी क्या है ना, ये देखो ये दो आयो पीएलसी पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये इस आयो का स्टेटस यहाँ पे भी भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेशन कर लूँगा, क्योंकि ये पीएलसी एक अलग सिस्टम है, ये सपोज ये एक्स कंपनी का है और ये वाई कंपनी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, थ्रू मोडबस प्रोटोकॉल, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता हूँ। तो ये सब पॉसिबिलिटी होती हैं आज के, आज का सब सिस्टम एडवांस है, किसी को नहीं बोल सकते। आप हनीवेल को बोलोगे ना, वो बोलेगा यार ये मेरा सिस्टम अच्छा है। यूको गाओ के पास बोलोगे मेरा सिस्टम अच्छा है, किसी दूसरी और कंपनी के पास जाओगे, सीमेंस के पास जाओगे, मेरा अच्छा है। सबके पास एक से एक एडवांस फंक्शंस हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये आई थिंक आज की डेट में मेरे को लगता है कॉस्ट बहुत मैटर करती है, ठीक है। जिसके थोड़ी कॉस्ट कम होगी, अधिकतर प्रोजेक्ट उसी को जाते हैं, तो बाकी सब कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं। जैसे मैंने सीमेंस पे काम किया हुआ है, मैंने सीमेंस पीएलसी, सीमेंस डीसीएस सिस्टम्स और डिफरेंट डिफरेंट एबीबी पीएलसी, सो ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा मैंने ऑलमोस्ट सब पीएलसी पे काम किया हुआ है, तो मेरे को उतना तो मेजर डिफरेंस लगता नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिडेंडेंट कंट्रोलर्स। तो मैंने क्या बोला, मल्टीपल रिडेंडेंट कंट्रोलर्स, आईओ मॉड्यूल्स, इंजीनियरिंग स्टेशंस, ऑपरेटर स्टेशंस, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन क्या होता है, जैसे उसमें कुछ अलार्म आया और आपको 6 महीने पहले का डेटा देखना है, ठीक है। कुछ एनालॉग सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल ने बताया ना आपको, एक प्रोसेस की लाइन पे, एक लाइन पे फ्लो जा रहा है, वाटर फ्लो जा रहा है, वो वाटर फ्लो कितना है, 6 महीने पहले कितना था, तो मतलब वो हिस्टोरियन। आप वो सब जाके देख सकते हो, अलार्म देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। वैसे सेम ऑप्शन पीएलसी पे भी रहते हैं, डोंट वरी। सो दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग थाउजेंड्स ऑफ आयोस एट अ रिलायबल स्पीड। दे आर वाइडली यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो मैंने बोला ना। सो मेजर डिफरेंस आप क्या बता सकते हो कि थाउजेंड्स ऑफ आयो, बट जो पीएलसी होता है वो कुछ फ्यू आयो को ही, मतलब स्पेसिफिक कंट्रोल्स के लिए, कोई क्रिटिकल कंट्रोल्स है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। बट जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, थाउजेंड्स ऑफ आयो, जो प्लांट बेसिकली फॉर ऑपरेशन बोल दो आप, ये प्लांट के ऑपरेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो पावर प्लांट में, पेट्रोकेमिकल में, हर जगह यूज होते हैं। आपको कुछ मेजर डिफरेंस बता देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो पीएलसी और डीसीएस, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। सो बेसिकली क्या होता है, जो पीएलसी का जो रिस्पॉन्स होता है ना, क्या होता है, जैसे कोई क्रिटिकल टर्बाइन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें क्या होता है, टर्बाइन एक बहुत मेजर इक्विपमेंट होता है, तो कुछ इश्यू है तो मेरे को टर्बाइन ट्रिप करना है, मीन्स द जो ट्रिप कमांड जा रही है ना वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, उसका स्कैन रेट बहुत फास्ट होना चाहिए। तो पीएलसी कैन रिस्पॉन्ड टू अ चेंज विद इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड। सो मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स होता है, लाइक 5 to 10 milliseconds में दैट विल ट्रिप द टर्बाइन, इतना फास्ट रिस्पॉन्स होता है। बट जो डीसीएस होते हैं थोड़ा स्लोअर होते हैं पीएलसी से, टिपिकल रिस्पॉन्स डीसीएस इज 30 milliseconds, ठीक है। क्यों क्यों होता है स्लो बट डीसीएस का, ठीक है, मेरे ख्याल से जो, क्योंकि क्या होता है, ये देखो ये डिपेंड करता है आपका एग्जीक्यूशन पे। पीएलसी का जो सीपीयू है उसको जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं कितनी है, बहुत कम है कंपेयर टू डीसीएस। डीसीएस के सीपीयू पे कितना लोड है, लोट ऑफ लोड है। आपका कंप्यूटर पे काम करते हो, अगर आप देखो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो आप,
और आपको एक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट पे कुछ काम कर रहे हो, आप कभी देखना अगर आप एक चीज़ एक टाइम पे कर रहे हैं ना, तो स्पीड देखना, आप खुद खुद फील करना। और आप कंप्यूटर पे बहुत सारी चीज़ें निकाल लो, ठीक है, तो जब आप वो मल्टीपल चीज़ें ओपन करके जब काम करोगे, आपका कंप्यूटर का सीपीयू लोड विल इंक्रीज। उससे क्या होगा, थोड़ा आपको लगेगा मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो गया, स्लो लगेगा आपको अपना कंप्यूटर। तो ऐसा नहीं है डीसीएस, लेकिन बहुत रिलायबल कंट्रोलर है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होता है, नंबर ऑफ आईओस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई थिंक दैट्स वाई दे हैव दिस बिट हाइयर स्कैन टाइम कंपेयर टू द पीएलसी सिस्टम। और पीएलसी का जो प्रोसेसर वगैरह है वो हम कंपेयर कर सकते हैं डीसीएस के साथ। डीसीएस का जो प्रोसेसर है हैंडल इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो इतना बड़ा लोड हैंडल कर ले, पीएलसी का उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जाता, ठीक है। बट अगेन, कितनी पीएलसी वाले आज आके आपको डीसीएस वाले को कम्पीट कर रहे हैं कि नहीं यार हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टिल इंट्रूअर अगर आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है कि अरे यार तुम पीएलसी में नहीं कर सकते, जी कर सकते हैं, आज की डेट में ये भी पॉसिबल है। कितने पीएलसी वाले आके आपको बोल देंगे दैट वी कैन ऑल्सो डू थाउजेंड्स आईओस कंट्रोल। यहाँ पे आपको करेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं पीएलसी कुछ आईओ के लिए कंट्रोल होता है और डीसीएस थाउजेंड्स ऑफ आईओ के लिए होता है। तो मैं आपको बोलूँगा, प्लीज़ आप आंसर बोलो कि आज की डेट में ये पॉसिबल है कुछ, इंटरनेट से तो आपको पता ही लग जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो कितने पीएलसी वाले आके क्लेम करते हैं और दैट इज़ पॉसिबल। अगर आपको बोलता है इंट्रोवर नो कि नहीं क्या पीएलसी से नहीं कर सकते, तो बोलो यस कर सकते हैं पीएलसी से भी, बट वो डिपेंड करता है कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। आईओ कैपेसिटी, अ पीएलसी इज अ केपेबल ऑफ हैंडलिंग फ्यू हंड्रेड आईओस, व्हेन इट कम्स टू एनालॉग आईओस इट कैन हैंडल्स 10 ऑफ देम। आ डीसीएस कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ आईओ, इट कैन हैंडल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ एनालॉग आईओज एंड पीआईडी फंक्शंस। ये देखो, थाउजेंड्स ऑफ आईओ पीआईडी फंक्शन सब कुछ कर सकता है। बट पीएलसी बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव पीएलसी यूज़ करने का क्या होता है, ओनली फ्यू हंड्रेड आईओज, ज़्यादा आईओज के लिए नहीं हम यूज़ करते हैं पीएलसी। जो आपको अच्छी कंपनियों के पीएलसी मिलेंगे वो जस्ट दे आर यूज फॉर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ठीक है। तो लॉजिक डेवलपमेंट, पीएलसी कैन प्रोग्राम भी बेस्ड ऑन आवर ऑन आवर एप्लीकेशन, मीन्स किसी भी एप्लीकेशन के हिसाब से आप प्रोग्राम कर सकते हो। और डीसीएस में भी सेम वही है, आप एप्लीकेशन के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं, नो यूजर ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर, तो बहुत ईजी रहता है प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। बाकी तो सेम ही है, कोई मेरे को इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता लॉजिक डेवलपमेंट के हिसाब से। डीसीएस में भी ज़्यादा, आई थिंक डीसीएस कुछ ज़्यादा ईजी होता है, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं डीसीएस में कंपेयर टू पीएलसी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आपको सपोज ये एबीबी की पीएलसी है, तो एबीबी ने डेवलप किया हुआ है ये सब, तो उनके हिसाब से है, तो उनकी प्रोग्रामिंग है, तो धीरे धीरे करके आपको एक्सपीरियंस आ ही जाता है। बट या यू कैन लर्न, इफ अगर आपको चांस मिलता है किसी भी पीएलसी पे काम करने का तो लर्न करिए, बहुत अच्छा रहता है। रिडंडेंसी, सो पीएलसी को भी हम रिडंडेंट बना सकते हैं, ठीक है। कैन बी मेड रिडंडेंट विद एडिशनल हार्डवेयर विच मेक्स देम एक्सपेंसिव देन डीसीएस। रिडंडेंसी इज अ डिफॉल्ट फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। देखो डीसीएस में डिफॉल्ट रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, उसमें क्या रहता है, अगर एक आपका सीपीयू फेल हो गया तो दूसरे सीपीयू पे सब कुछ चलेगा। पीएलसी में वो ऑप्शन ऑप्शनल रहता है, आप एक सीपीयू वाला पीएलसी ले सकते हैं, दो सीपीयू मतलब रिडंडेंट वाला भी ले सकते हैं, उसमें अगर एक फेल हो गया तो दूसरे पे स्विच ओवर हो जाएगा, लेकिन फाइनली आपको क्या करना है, कॉस्ट लगानी है, फिर आपको दो सीपीयू लेने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका हार्डवेयर का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। आर्किटेक्चर, पीएलसी हैव अ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। अ पीएलसी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर आईओ मॉड्यूल एचएमआई एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, जैसे पहले बताया था। डीसीएस सिस्टम आर लेस फ्लेक्सिबल, द कम विद कंट्रोलर आईओ सिस्टम्स डेटाबेस सर्वर्स इंजीनियरिंग ऑपरेटिंग सर्वर, तो थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू द पीएलसी। पीएलसी वाले ज़्यादा कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ भी मतलब किसी भी एचएमआई को यू नो लगा के कनेक्ट कर देगा पीएलसी के सीपीयू के साथ,
DCS में ऐसा नहीं है, उनका अपना ही सब कुछ रहता है, डेटाबेस रहता है उनका, अपना सर्वर रहता है, अपना ही HMI रहता है। आप ऐसा नहीं है कि जी का एक HMI ले लो और वो DCS के साथ कनेक्ट कर दो, तो दे आर लेस फ्लेक्सिबल। बट PLC के साथ सिस्टम है, PLC वाले के साथ बोलोगे अरे मेरे को ये HMI चाहिए, ओके कर देंगे, PLC वाला हर चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा। एप्लीकेशन PLC आर बेस्ट सुटेड फॉर डेडिकेटेड एप्लीकेशन दैट चेंजेस लेस ऑफन। PLC इज सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स एडवांस प्रोसेस कंट्रोल कैपेबिलिटी। जैसे मैंने बोला ना आपको, रिफाइनरी हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, वहाँ पे जहाँ पे कम्प्लेक्स प्रोसेस सिस्टम होते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। PLC जैसे डेडिकेटेड क्रिटिकल सिस्टम्स लाइक टर्बो मशीनरी हो गया, ठीक है, कुछ आपका मोटर 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 क्रिटिकल मोटर्स हो गई, पंप हो गए, ऐसे ऐसे सिस्टम के लिए आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम हैं छोटे छोटे करके, इवन घर में आजकल यूज़ कर ले रहे हैं लोग PLC को। कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव PLC, DCS मोस्ट एक्सपेंसिव, नंबर ऑफ आयो बहुत ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, और PLC DCS से लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयोज बहुत कम होते हैं, छोटा सा मॉड्यूल होता है, बहुत मतलब बहुत ही ईजी होता है। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं किस तरह से लगता है PLC, सेम ये देखिए मैंने ये दिखाया ना, नॉर्मली इस तरह से रहता है, ये सीमेंस का मॉड्यूल है, मैंने इस पे काम किया हुआ है, और ये DCS का दिखाया हुआ है। DCS के भी डिफरेंट डिफरेंट CPU होते हैं बट सब फंक्शन रहता है ऑलमोस्ट। अब तो पूरा कहीं कहीं मैंने जैसा बोला आपको, कहीं PLC वाले सब DCS जैसा ही कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया लगा होगा इस वीडियो से कि DCS और PLC में क्या डिफरेंस है। आपको इंटरव्यू के लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।